हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोबेंजीन, जिसका दूसरा नाम है नाइट्रोएरिन्स। यूनिट सिक्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब, पहले डालते हैं हेडिंग, फिर करते हैं इसके बारे में डिस्कस कि रियलिटी में ये नाइट्रोबेंजीन होता क्या। चलिए साहब, नाइट्रोबेंजीन, लो नाइट्रोबेंजीन डाल दिया हमने हेडिंग, अब बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। जरा बेटा बताओ जरा, ये क्या चीज़ है। इसका सेकेंड नाम क्या है? नाइट्रोएरिन्स के अंतर्गत आता है नाइट्रोबेंजीन भी, ठीक है। चलिए साहब, आगे अब देखते हैं इसके बारे में क्या होने वाला है। अब जरा मुझे ये बताओ बेटे, जो ये नाइट्रोबेंजीन का सूत्र क्या होगा। आपने 12th क्लास में बहुत बार पढ़ रखा है कि नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NO2 होता है। ओके सर, ओके। स्ट्रक्चर चाहो तो बना दो, रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर ले आओ इसकी। अच्छा, रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर ये आ गई मेरे पास, ठीक है, ऊपर लगा दो NO2। अब एक खास बात हमें यहाँ ये देखने मिलेगी कि अगर आप चाहते हो तो ये रिंग हटा के यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये वाला जो है, इस जो सर्किल मैंने बनाया है, इस सर्किल का नाम क्या होता है, समझ गए? आप कमेंट करके बताना मुझे कि भाई बेंजीन के अंदर जो सर्किल है इसका नाम क्या होता है। चलिए साहब, आगे देखते हैं। अब बनाने की विधियां पढ़ लें किसको, नाइट्रोबेंजीन को, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन की बनाने की विधियां हमें दे रखी हैं हमारे सिलेबस में, और इसकी ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम दे रखी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं दे रखी हैं। सिर्फ क्या दे रखा है, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में होने वाली केमिकल रिएक्शन, यानी कि होने वाला रिडक्शन, अपचयन, अभिक्रियाएं हमारी दे रखी हैं, बस वही मैं करवाने वाला हूं आपको। चलिए साहब, पहले बताने की विधियां कर लेते हैं इसको। तो नाइट्रोबेंजीन यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ओके, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसे केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी है हमें। चलो साहब, फिर भी हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। पहला नंबर लेते हैं हम लेबोरेटरी मेथड, कौन सा वाला मेथड बेटे, लेबोरा टोरी मेथड, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड, कितना शानदार नाम है देखो। अच्छा, कैसे बनेगा लेबोरेटरी में? ये बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, सबको सबसे पहले आपको बेंजीन पकड़ लेना है। चलिए साहब, हमने बेंजीन पकड़ ली, प्लस हमें पकड़ लेना नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड कौन सा होना चाहिए, धुआंधार, यानी कि खतरनाक, कंसंट्रेट, सांद्र होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। और चेंज टू ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त। और करते हैं हम गरम, गरम मतलब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पे गरम कर दो, किसको, बेंजीन को। बेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गरम करने पर क्या बनता है मेरा, क्या बनता है भैया, क्या बनता है, नाइट्रीकरण हो जाता है इसका, तो बनता है भैया नाइट्रोबेंजीन, NO2 बन जाता है, और प्लस यहाँ से वाटर का एक मोलिक्यूल बाहर होता है। यहाँ से एच बाहर करो, यहाँ से एच बाहर करो, यहाँ से वो बाहर करो। बेंजीन के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि लास्ट जो आपने सेमेस्टर पढ़ा है, 5th सेमेस्टर है, बेंजीन के बारे में पूरी संरचना दे रखी है। चलिए साहब, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन हो गया, क्या नाम, क्या इसका, नाइट्रोबेंजीन हो गया, इसको बोलते हैं हम नाइट्रीकरण। यह है बेंजीन का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, क्या ये बेंजीन का नाइट्रेशन है ये, ठीक है। चलिए साहब, देख लेते हैं, अगर चाह रहे हो तो थ्योरी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, थ्योरी चाहो लिख दूं। चलिए साहब, कह लोगे बेंजीन यानी कि जब बेंजीन, कब, जब, जब बेंजीन, ठीक है सर, जब बेंजीन, ओके सर, जब बेंजीन किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, के साथ कंसंट्रेट, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो बेटा क्या बनता है, किया जाता है, तो क्या बनता है हमारा, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है, ओके ओके ओके, नाइट्रोबेंजीन बनता है। चलिए साहब, हो गया कंप्लीट, बना दिया मैंने। और इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, हम बेंजीन का नाइट्रेशन कहते हैं इसको। अगर पेपर में आया नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, बस ठोक दो बेंजीन के, करवा दो नाइट्रिक अम्ल के साथ, इसकी उपस्थिति में गर्म कर दो, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन का भी नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रोबेंजीन का भी नाइट्रीकरण होता है, तो बनता है मेरे पास मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, एक पैरा ही बनता है, लेकिन पैरा बनता नहीं है यहाँ पे, मेटा मेटा बनता है खाली, मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनता है। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण करवाओगे तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनेगा, करवा के देखना आप। चलिए सब आगे देखते हैं, सेकंड नंबर इसकी, हाँ मैकेनिज्म और रह गई है, इसकी मैकेनिज्म पढ़नी बड़ी ज़रूरी है, जब तक मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ने वाली है। चलिए साहब, इसकी मैकेनिज्म करवा दो आप, मैकेनिज्म मतलब होता है क्रियाविधि, निम्न स्टेप में होती है, निम्न स्टेप में होती है। अब ये स्टेप कौन कौन से होते हैं, निम्न स्टेप्स में होती है, ओके सर, ओके सर, ओके, निम्न स्टेप्स में होती है। अब ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। स्टेप नंबर फर्स्ट आता है मेरे पास, कौन सा था बेटा, स्टेप्स फर्स्ट आ जाता है, स्टेप फर्स्ट आ गया, ओके सर, ओके, स्टेप फर्स्ट आ गया। चलिए साहब, स्टेप फर्स्ट के बारे में आपका क्या कहना, तो सबसे पहले नाइट्रो
यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन बनता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन पता है क्या होता है आपको, बताओ जरा। इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन का मतलब होता है जब नाभि, जब अभिकर्मक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से इसने रखेगा, इलेक्ट्रॉन से इसने कौन रखेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन बनता है। सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन बनता है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक फिलिक रिजाइन बनता है। चलिए साहब, इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन बनता है। अब कैसे बनता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, इसके आप दोनों पकड़ लो, किसके, इसके दोनों पकड़ लो और प्लस नाइट्रिक अम्ल के साथ धुआंधार इसकी क्रिया करवा दो। ठीक है, करवाओ जरा, क्या बनेगा, चलो चेक करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन बनाओ। तो सबसे पहले देखो, मैंने दोनों क्यों लिए हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ बनता है मेरे पास हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, प्लस प्लस मेरे बनता है, ये बना मेरे पास हाइड्रोनियम आयन, और प्लस मेरे पास यहाँ से यहाँ से यहाँ से 2HSO4 बाहर ले लो, 2HSO4 बाहर लो, ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, NO2+ बन गया मेरे पास। ठीक है, तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, 3, 3, 2, 5, 5 है, तो 2, 2, 4, 4 और 1, 5 बिल्कुल बैलेंस है। एन कितने हैं मेरे पास, एक है, एन मेरे पास केवल एक ही है, वो कितना है, 4, 2, 8, 8, 3, 11 है, तो एक मेरे पास ये है, 4, 2, 8 और 2 ये हैं, 11 हुआ मेरे पास। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बन गया। मेन काम इसी का ही है, मेन काम क्या बेटा, इसी का ही है, सारा काम खेल इसी का ही होता। चलिए साहब, हटाते हैं इसको, तो यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद चेक करते हैं एक बार, ले लो स्क्रीन शॉट। ठीक है, कर दें इसको इरेज, पक्का सोच लो एक बार और। ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने, चलो मैंने इसको इरेज कर दिया भाई, अब देखते हैं क्या बनने वाला है भाई इरेज करने के बाद इसको। चलिए साहब, देख लें जरा आप क्या बनेगा भाई, कुछ ना कुछ तो जरूर बनने वाला है भाई। अच्छा अच्छा सर, देखो फिर आप जरा ध्यान से लाइन पे, सेकेंड स्टेप आ गया मेरे पास, स्टेप सेकेंड आ जाता है बेटे। जब स्टेप सेकेंड आया तो हम भी सेकेंड स्टेप कर देंगे। अब स्टेप सेकेंड में क्या होने वाला है वो भी हम चेक करते हैं। कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनता है। अच्छा, कार्बोनियम आयन बनता है, बना के दिखा दो कैसे बनेगा कार्बोनियम आयन। बस कुछ नहीं पकड़ना है आपको, सबसे पहले देखो बेंजीन है, बेंजीन के हर एक कोने पर ये क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है, खाली बेंजीन बेंजीन है। बेंजीन की एंट्री होती है हर एक कोने पर, CH होता है, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, और आपको पता भी है कि हर एक कोने पर क्या होता है, CH होता है। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, बॉन्ड खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि भैया बॉन्ड दिंग हमें तोड़नी पड़ेगी इस चीज़ की, है ना। प्लस मेरे पास क्या होगा, NO2+ आयन जो है अटैक करता है, NO2+ आयन क्या करता है बेटे, अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट अटैक करता है। अब क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड बेटे इधर को शिफ्ट हो जाएगा, इधर को शिफ्ट हो गया मेरे पास बॉन्ड। ये जब मैंने ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है मैंने वो ऊपर को शिफ्ट कर दिया, तो उसमें माइनस आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ गया और प्लस वाला मेरे एक साथ बॉन्ड बना लेगा इस टाइप से। देखो यही है, यही है, यहाँ पे मैंने H बाहर निकाल दिया बेटे, क्योंकि यहाँ मेरे पास H है, H तो कहीं गया नहीं है बाहर, तो मैंने H बाहर निकाल दिया और NO2 जो माइनस आया है, माइनस के साथ प्लस एक बॉन्ड बनाएगा और क्या बना देगा मेरे पास, NO2 बन जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास दो बॉन्ड ऐसे रहेंगे, इस पास जाएगा प्लस, तो ये क्या बना मेरे पास, कार्बोनियम आयन बना। क्या बना बेटा, ये कार्बोनियम आयन बना, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी गायब हो गई, अब ये रिंग नहीं है, स्टेबिलिटी गायब हो गई, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए बनता है, क्योंकि कार्बोनियम आयन हाईली रिएक्टिव होता है और किसी भी अणु से फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, स्टेप नंबर सेकंड आ गया मेरे पास, सेकंड पूरा हो गया, स्टेप थर्ड आ गया मेरे पास, स्टेप थर्ड में क्या बनने वाला, प्रोटॉन बाहर हो जाता है, यहाँ से प्रोटॉन बाहर हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन बाहर हो जाता है, प्रोटॉन बाहर हो जाता है। अब ये जो प्रोटॉन है वो अपने बाहर निकाल दो, प्रोटॉन कैसे बाहर निकलेगा उसे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये मेरे पास मैंने रिंग बना दी, बहुत बुरी रिंग बनी है, सयारी रिंग बनाओ ऐसा करके, ये मैंने रिंग बना दी, इसमें बना दी रिंग, हो जाता हैवी रह गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ऐसे बनाओ, ये वाला बॉन्ड ऐसे बनाओ, ये वाला मेरे पास प्लस ऐसे बनाओ, और ये एच ऐसे रहने दो, और ये भैया हमारा NO2 तो है गई यहाँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, इस पर मैंने बॉन्डिंग क्रिएट करी, तो इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, ठीक है, और एच प्लस हमारा क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। एच प्लस हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ से बाहर हो गया, प्रोटॉन बाहर हो गया। अब मेरे पास क्या होने वाला भाई, अब ये वाला बॉन्ड क्योंकि माइनस प्लस एक मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ क्या जाएगा मेरे पास, NO2 आ जाएगा, क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन, क्या बना, ये नाइट्रो बेंजीन बन गया, देखो नाइट्रो बेंजीन, चलिए साहब नाइट्रो बेंजीन बन गया। अब ये H प्लस कहाँ जाएगा, क्योंकि H प्लस के साथ में जो मेरे पास टिका पड़ा ना, जो HSO4 हैगा, जो मेरे पास ये HSO4 होता है ना, HSO4 माइनस आयन, वो H प्लस के साथ रिएक्ट करता है और तुरंत क्या बनाता है बेटे, यहाँ पे ये बना देता है तुरंत हमारा H2SO4, उत्प्रेरक जैसा होता है वैसा का वैसा हमारा क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। ओके, चलिए साहब इसको हटाते हैं और इसके बाद सेकेंड नंबर पढ़ाऊँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए फास्ट, एकदम ले लिया होगा है, कर दूं रेज। चलिए सर, ये नाइट्रेशन बेंजीन के नाइट्रेशन की मैकेनिज्म पूरी हो गई, इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। चलिए साहब सेकंड नंबर है वाया एनिलीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। चलिए साहब देखते हैं सेकंड नंबर क्या गया मेरे पास, ऑक्सीडेशन यानी कि वाई एनिलीन, एकदम डायरेक्टली दे रहा हूँ मैं, वाई एनिलीन, एनी
लीन, यानी कि एनिलीन के द्वारा आप कैसे बनाओगे। तो बनाने के बिल्कुल सिंपल से मेथड, नन्हे मुन्ने बच्चों वाले मेथड। कौन से मेथड है नन्हे मुन्ने बच्चों वाला मेथड कौन सा मेरे पास? अगर आप एनिलीन का, किसका बेटे, एनिलीन का ऑक्सीडेशन करवा दोगे, क्या करवाएंगे हम इसका ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? अरे भैया हाइड्रोजन परोक्साइड मेरे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पर। जरूरी नहीं कि आप हाइड्रोजन परोक्साइड लो, आप एसिटिक एसिड का भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो। बहुत सारी बुकों में ये मिलेगा, बहुत सारी बुकों में ये वाला मिलेगा, है ना। तो अब क्या होगा कि दो एच यहां से और एक और यहां से, मेरे पास H2O क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, NO2 बन जाएगा, है ना। ये मेरे पास NO2 बनकर तैयार हो गया, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से आप नाइट्रोबेंजीन एनिलीन के द्वारा भी बना सकते हो। तो ये सब आपस में भाई भाई होते हैं, तो आप खुद से लिखना कि जब एनिलीन का, किसका, जब एनिलीन का ऑक्सीडेशन, जब एनिलीन का, ठीक है, जब एनिलीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है साहब, ठीक है साहब, जब एनिलीन का ऑक्सीडेशन H2O2 CH3 COOH दोबारा कराया जाता है, ठीक है, कराया जाता है, तो क्या बनता है भाई हमारा, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ओके अच्छा ठीक है, थर्ड नंबर बोल लेता हूँ मैं, एक बस ये लास्ट नंबर है, ऐसा नहीं करवाऊंगा बताने की वीडियो में। बाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना के दिखाओ जरा, कैसे बनाओगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ? कुछ नहीं करना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी कि फॉर्मूला C6H5N2Cl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम नाइट्राइड, सोडियम NaNO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है, C6H5NO2 बनाता है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। चलिए साहब बना के दिखा दे रहे हैं एक बार, तो C6H5N2Cl+NaNO2, ठीक है, ले लिया मैंने ये NaNO2, बस कुछ नहीं करना, अब बन गया, तैयार हो गया हमारा, क्या हो जाएगा NaCl बाहर, ये तो भैया बहुत पुराना होता है, ये तो देखते गायब हो जाते हैं, बना क्या मेरे पास C6H5 और क्या रह गया मेरे पास NO2, क्या नाम है इसका, नाइट्रोबेंजीन। कितने मेथड हो गए, अरे भाई कितने मेथड हो गए, तीन मेथड हो गए हमारे, है ना, तीन मेथड बना लिए, काफ़ी हो गए, है ना। ये मॉडल के अकॉर्डिंग है, दिनेश के मॉडल में तीन ही मेथड दे रखे हैं ये वाले। अब इसके बाद जो हमारा सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केवल रिडक्शन भिन्न भिन्न माध्यमों में। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीन शॉट, इसके बाद देखते हैं फिर जल्दी फास्ट, ले लिया होगा स्क्रीन शॉट इसका, ओके करवा दें, कर दें रेज, चलो साहब कर दें रेज को हम रेज। अरे बड़ा सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक, इसके बाद में पढ़ाएंगे तुम्हें एमीन का सेपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलो भाई अब पढ़ लेते हैं इसका रिडक्शन, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का विभिन्न माध्यमों में होने वाली अपचयन अभिक्रियाएं। डाल देता हूँ मैं हेडिंग, किसका बेटे, नाइट्रोबेंजीन का विभिन्न माध्यमों में होने वाली अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है, ये मेरे पास हेडिंग है, हेडिंग सही पढ़ा, देखना ध्यान से एक बार, नाइट्रोबेंजीन की विभिन्न माध्यमों में होने वाली अपचयन अभिक्रियाएं। ओके पहला माध्यम पकड़ लेते हैं हम, सबसे पहला माध्यम लेंगे हम एसिडिक, ठीक है बेटे, एसिडिक मीडियम, यानी कि इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, ओके सर, इन एसिडिक मीडियम पकड़ लिया मैंने। अब क्या बनने वाला, अगर आप देखो एसिडिक मीडियम में तीन प्रकार के रिएक्शन होती है, लेकिन मैं केवल एक ही प्रकार करवाऊंगा और वो भी बिल्कुल सिंपल वाले रिएक्शन है, यानी C6H5 और मेरे पास क्या है नाइट्रोबेंजीन NO2 प्लस 6H पकड़ लो और आपको एक एसिडिक मीडियम लेना है टिन वाई एस सी एल, और ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें H मिलेगा, ठीक है, और ये जो H मिला है हमें यही इसके साथ में ऐड होगा। चलो साहब मिलाते हैं C6, अब ये एसिडिक मीडियम है, HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड होता है, तो ये मीडियम कौन सा बन गया मेरे पास, एसिडिक मीडियम बन गया, तो क्या बनने वाला C6H5NH2 एनिलीन बन गया, और यहाँ से 2H2O मेरे पास क्या होगा बाहर होगा, है ना। यानी कि जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन वाई एस सी एल द्वारा किया जाता है तो क्या बनता है बेटे, किया जाता है तो एनिलीन बनता है, तो क्या बनता है हमारा, तो एनिलीन बनता है, ओके सर, तो एनिलीन बनता है, क्या बात है सर, इस तरह से बन जाता है, सिंपल सा मेथड है, आराम से हो जाएगा, है ना। चलिए साहब सेकंड नंबर देखते हैं एक बार और, अब इसका पहला नंबर मेरे पास ये हो गया, अच्छा इसका सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा होगा मेरे दोस्त,
न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मतलब समझते हो ना, उदासीन, इन न्यूट्रल मीडियम में। अब न्यूट्रल मीडियम में क्या होने वाला है, उसमें भी आग लगा हुआ है। अब कैसा आग लगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। C6H5NO2, ठीक है, ये मैंने नाइट्रो बेंजीन लिया, प्लस इसका करवा दो बेटा अपचयन, 4H लेके, 4H लेके इसका अपचयन करवाओ। और पर ध्यान देना है, न्यूट्रल मीडियम होना चाहिए जैसे जिंक प्लस जलीय अमोनियम क्लोराइड। ये बेटा जलीय होता है तो मैं यहाँ पे बाटर दे दे रहा हूँ, ठीक है, मर्जी आपकी, बाटर चाहो तो लिख सकते हो, बाटर चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाटर दे दिया, क्यों दिया बाटर, क्योंकि ये जलीय अमोनियम क्लोराइड होता है, जलीय अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक का मिश्रण होता है, और जब क्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है भैया, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, बस H2O बाहर हो जाता है यहाँ से, H2O मेरे पास क्या, यहाँ से बाहर हो गया, मेरे पास सिर्फ क्या बचा, C6H5, एक N बचा और दो H रह गए, एक H आ गया, एक OH आ गया, इसका नाम है एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, ठीक है बेटे, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम है एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, कितना बड़ा नाम है, C5H5NHOH है ना, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, ओके बढ़िया नाम हो गया, चलो ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन के कब, जब नाइट्रोबेंजीन का किसका बेटा, जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, ओके, जब नाइट्रोबेंजीन का क्या अपचयन, ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जिंक प्लस जिंक तथा जलीय अमोनियम क्लोराइड, जलीय अमोनियम क्लोराइड द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है तो क्या बनता है आपका, किया जाता है तो एन फेनिल ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, ओके बन गया साहब, ऐसे बना देता हूँ देखो, और ऐसे बन भी जाता है, सिंपल सा मेथड। एक चलिए साहब आगे देखते हैं, और अब आ गया तुम्हारे पास कौन सा मेथड, अब आपके पास एक ही मीडियम बचा है, और वो बचा है हमारे पास बेसिक मीडियम, यानी कि क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ तक का स्क्रीन से लो जल्दी फास्ट, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी है, तीन चार रिएक्शन उसकी कर दें, उसको रेज कर दे रहे हैं, चलो साहब हटाओ। तो दो मीडियम तो हमारे हो गए, बस ये लास्ट मीडियम है, इसके बाद लेक्चर खत्म, ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ाते हैं कहानी, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, और कहानी वो करते हैं बिल्कुल इजी, यानी कि कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, थर्ड नंबर मेरे पास आ गया बेटे, इन बेसिक मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम में, इन बेसिक मीडियम। अब ये बेसिक मीडियम में आग लगाने वाला अब भी है, ठीक है, सबसे पहला नंबर पकड़ लेते हैं, थ्योरी चाहो लिख लेना, बनना चाहो छोड़ देना, तुम्हारी मर्जी है। सबसे पहले बेसिक मीडियम पकड़ लें, कोई सही पकड़ लो, देखो दो मीडियम पकड़ता हूँ पहले मैं। पहला नंबर है मेरे पास C6, दोनों पकड़ लो, C6H5NO2, क्या नाम है इसका, नाइट्रोबेंजीन, बहुत इजी टॉपिक है यार ये, प्लस C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन, और प्लस 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 सर प्लस क्या करने वाले हैं आप, क्या करने वाले हैं, C6H5NO2 प्लस 6H पकड़ लो, ठीक है, और चेंज टू आपको पकड़ लेना है सोडियम एथोक्साइड बाई मैथिल एल्कोहल, बाई मैथिल एल्कोहल, ठीक है, क्षारीय मीडियम। तो ये जैसे भी कर करा के क्षारीय मीडियम बन जाता है हमारा, ठीक है, NaOH आ जाता है यहाँ पे, क्षारीय मीडियम बन जाता है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए साहब क्या करवाओ जरा इसकी, तो क्या होगा मेरे पास, तो यहाँ पे देखो दो अणु है ये मेरे पास, तो ए ऐसा करके देखो C6H5NO2 है मेरे पास, फिर प्लस C6H5NO2 है मेरे पास, है ना, तो देखो ये वाले दो और ए को यहाँ से, तो 3H2O में क्या कर दूंगा, यहाँ से बेटा बाहर निकाल दूंगा मैं, ठीक है। अब मेरे पास बचा C6H5 सिंगल बोन एन, ओ पे मेरे पास एक उप सहसंयोजक बंध आ गया डबल बोन एन और C6H5, इसका नाम होता है एजोक्सी बेंजीन, क्या नाम है इसका, एजोक्सी बेंजीन, ठीक है, एजोक्सी बेंजीन, ओके सर ओके, क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है एजोक्सी बेंजीन, है ना, क्या नाम है इसका, एजोक्सी बेंजीन बना दिया मैंने, बना दिया एजोक्सी बेंजीन। चलो सब आगे देखते हैं, अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, सेम कहानी दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर और देख लेते हैं इसका। अब सेकंड नंबर पे क्या होने वाला वो भी हम चेक करते हैं। तो दो अणु पकड़ लो, C6H5NO2 पकड़ लिया मैंने, और प्लस 8H पकड़ लो, पकड़ लिया साहब। चलो आगे क्या बनाने वाले हो आप, आगे आग लगाने वाले हैं आग काय में, देखते हैं कैसे लगेगी। टिन वाई क्लोराइड और बाई NaOH, ये भी बेसिक मीडियम है, ठीक है, ये भी क्षारीय माध्यम होता, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से हमें बनाना क्या है, तो दो धुनी चार आठ, यानी के सारे ओ बाहर निकाल दो, यानी कि 4H2O क्या कर दोगे आप, बाहर निकाल दो, चार है दो धुनी चार, चार H2O मैंने बाहर निकाल दिया, मेरे पास क्या बचता, C6H5 सिंगल बोन एन डबल बोन एन और C6H5, ठीक है, इसका नाम है एजो बेंजीन, क्या नाम है इसका, एजो
बेंजीन, ओके सर, एजो बेंजीन, इसका नाम है एजो बेंजीन, ठीक है, सी सिक्स एच फाइव सिंगल बोन एन डबल बोन एन सी सिक्स एच फाइव, एजो बेंजीन बन गया। चलिए सब आगे देखते हैं, थर्ड नंबर पे हम एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, दो अणु पकड़ो सी सिक्स एच फाइव एन ओ टू के, पकड़ लिए दो अणु, प्लस मेरे पास टेन एच हो सकता है, अभी रिएक्शन मिला के देखेंगे इसको हम, ठीक है, और प्रेजेंट होता है मेरे पास सोडियम बाई एन ई ओ एच, सोडियम बाई एन ई ओ एच, ये भी मेरे पास क्या बेसिक मीडियम है। अब क्या बनने वाला है सब, अब यहाँ से सबके सब ओ, यानी कि यहाँ भी सबके सब ओ गायब हो गए, अब यहाँ पे हम H ऐड कर देंगे कुछ इस टाइप से, देखो सी सिक्स एच फाइव एन एच सिंगल बोन एन एच और सी सिक्स एच फाइव, ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि दो धुनी चार, दो एच तो मेरे पास आ गए, एन एच एन एच, दो एच मेरे पास यहाँ ऐड हो गए, दो एच मेरे पास बेटा यहाँ ऐड हो गए, आठ बचे, आठ एच और दो धुनी चार, यानी कि फोर एच टू ओ भी यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, फोर एच टू ओ भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका पर्सनल नाम है हाइड्रोजो बेंजीन, हाई ड्रोजो बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोजो बेंजीन, ठीक है सर, हाइड्रोजो बेंजीन, क्या नाम है बेटा इसका, हाइड्रोजो बेंजीन, बड़ा स्पेशल नाम है, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम में होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी कि रिडक्शन है। कुल मिला के बात ये है कि ये अपचयन अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले क्या बनता है हमारे पास, एजोक्सी बेंजीन प्रेजेंट इन सोडियम एथोक्साइड और मैथिल अल्कोहल, और सोडियम एथोक्साइड और मैथिल अल्कोहल, फिर मेरे पास क्या बना, टिन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में एजो बेंजीन बना, और फिर बनता है हाइड्रोजो बेंजीन, इसका नाम क्या, हाइड्रोजो बेंजीन। तो नाइट्रीकरण क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है और उसकी भिन्न भिन्न माध्यमों में होने वाली अपचयन अभिक्रियाएं कैसे दी जाती हैं, ये मैंने आज इस लेक्चर में कवर करवा दिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार पेपर में आया हुआ लास्ट थर्ड ईयर में, ठीक है। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स।